और ये देख के हम दोनों भाई बहन कांप जाते, रोते, और घर में घुसने की हमें हिम्मत भी नहीं थी। हम दोनों की ऐसी हालत थी कि हम जब तक घर में कोई मम्मी नहीं आएगी या मासी नहीं आएगी, हम घर के अंदर नहीं जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डरना मत। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में, या ऐसा एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट के बारे में जो मेरे साथ खुद हुआ है मेरे चाइल्डहुड में। तो हम लोग बचपन में गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे, तो वहाँ पे जो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, जो मेरी मासी थी मम्मी की बड़ी बहन, वो गवर्नमेंट ऑफिसर थी और हम सब गवर्नमेंट के क्वार्टर में रहते थे। तो ऐसा था कि सब जॉब पे चले जाते थे, सिर्फ मैं और मेरी बहन घर में रहा करते थे स्कूल जाने के बाद। स्कूल होता था हमारा 3:30 तक, और 3:30 से हम लोगों को 6 o'clock तक घर में अकेला रहना पड़ता था। और जो हमारी समर वेकेशन होती थी, समर वेकेशन में हमें सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक अकेला रहना पड़ता था घर में, क्योंकि सब चले जाते थे ऑफिस में। हमारे घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन था, दोनों तरफ गार्डन थे छोटे छोटे इनफैक्ट। तो वो गार्डन में दो बहुत बड़े पेड़ थे, एक पेड़ था नीम का और एक पेड़ था फली का। ये एक टाइप का जंगली झाड़ था, लेकिन बहुत बड़ा, मतलब उसका तना इतना बड़ा, और उस पे मीन्स हर तीसरे चौथे दिन हमको 3 से 4 सांप दिखते थे दोनों झाड़ों में। कभी इधर एक दिखता था, कभी वहां एक दिखता था, हर तीसरे चौथे दिन में दोनों पेड़ों पे कोई ना कोई सांप डेफिनेटली निकलता था। और तब मेरी मासी प्लान करती है कि हम लोग एक कार खरीदेंगे, और वो टाइम पे 25 years back वो लोग मारुति 800 खरीदने का प्लान करते हैं। तो वो जो पेड़ थे, वो पेड़ ने पूरा गार्डन का एरिया कवर कर दिया था। उसी के साथ साथ उसने घर की जो टाइल्स थी वो तक उखाड़ दी थी, ऊपर कर दी थी उसकी जड़ों ने, वो इतना बढ़ के फैल गए थे पेड़। तो और वो पेड़ों पे पेशाब भी आता था। सेकेंडली, वो हाई टेंशन वायर जो ऊपर से जाती है हमारी लाइट की, उसको भी आए दिन तोड़ते थे। तो प्लान किया जाता है कि ये दोनों पेड़ों को कटवाते हैं, कटवाने का बात करते हैं, और उनको बुलाया जाता है, लेबर्स को, वो लोग पेड़ काटते हैं, और एक हफ्ता उन्हें लगता है ये पेड़ काटने में। उसके बाद वो लोग जो नीचे की जड़ होती है उसमें एसिड डाल के चले जाते हैं, क्योंकि जो नीचे का पार्ट है उसको कट करना इजी नहीं है। फिर वो एसिड से ख़त्म होता है। उसके बाद ये लोग, हम लोगों ने वो जो गार्डन था उसको लेवल करवा के, सीमेंट करवा के प्लेन कर दिया। बट इसके बाद असली कहानी स्टार्ट होती है। घर में कार आ गई। ये जब होने के बाद, गार्डन तैयार होने के बाद, हमारे घर में एक डॉग था जिसका नाम था जेरी। उसको मैं अक्सर मॉर्निंग में घुमाने लेके जाया करता था हाफ एन आवर के लिए। उसका वॉशरूम वगैरह करवा के उसको हाफ एन आवर में मैं वापस लेके आता था। बट जब गार्डन तैयार हुआ और उसके बाद मैं उसको वहाँ पे लेके जाने लगा, वो गार्डन से बाहर की तरफ पीछे ग्राउंड पे, तो गार्डन में जहाँ पे वो दो पेड़ थे वो एरिया में वो जाता, जोर जोर से गोल घूमता, उसकी अचानक पूंछ खड़ी हो जाती और वो कुछ ना कुछ अजीब बिहेव करता, और मुझे वापस घर में खींच के वापस ले जाता। और मैं वो टाइम में क्लास 6th में था। जो मेरी सिस्टर है वो मुझसे 4 साल छोटी थी, वो 2nd क्लास में थी। और ये बिहेवियर मैंने अपने घर पे बताया कि ऐसा ऐसा वो बिहेव कर रहा है। तो घर वालों ने तो बोला कि ऐसा ही कर रहा होगा, उसके लिए वो न्यू एनवायरनमेंट होगा, ज़्यादा ध्यान मत दे, उसे आगे की तरफ ग्राउंड पे ले जा, ये तरफ मत ले जा। तो मैंने भी बोला कि हाँ ये बात हो सकती है। तो इसके बाद जब भी हमारी समर वेकेशन शुरू हुई, ये पेड़ काटने का सिलसिला जो ख़त्म हुआ उसके 8 दिन बाद हमारी समर वेकेशन शुरू हुई। और ये टाइम पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम घर में दोनों भाई बहन अकेले रहते थे। तो जैसे ही दोपहर के 1 से 2 के बीच में हमें ऐसा लगता था कि हमारे छत के ऊपर जोर जोर से 3-4 आदमी जोर जोर से भाग रहे हैं। हम दोनों बाहर भाग के निकलते, ऊपर देखते, कोई नहीं दिखता।
ये होता उसके आधे घंटे बाद, ऐसा लगता कि हमारा जो दरवाजा है वो जोर जोर से कोई खींच रहा है, पटक रहा है। हम लोग डर के बाहर भागते, हमें कोई नहीं दिखता। हमने घर पे ये बात बताई तो घर वालों ने बोला कि तुम्हें ये अंधविश्वास होगा या तुम्हारा कुछ, इतने सब सीरियल देखते हो हॉरर वगैरह के, उसका ये इफेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं होता, स्पेशली दिन में तो कभी भी कुछ नहीं होता। और ये सिलसिला बढ़ता गया, ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि मैं और मेरी बहन 8-8 घंटा घर के बाहर रुकते थे। 8-8 घंटा हम लोग घर के अंदर भी नहीं जाते थे। तो नेबर्स लोग ने मेरे घर पे ये बात बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, वो डर के मारे 8-8 घंटा घर के अंदर भी नहीं जाते। तो मेरी फैमिली डिसाइड करती है कि हम लोग छुट्टी लेंगे ऑफिस से 3 से 4 दिन की, और घर पे रुक के देखते हैं कि ऐसा कुछ हमें भी फील होता है, ये लोग बच्चे मस्ती कर रहे हैं, प्रैंक कर रहे हैं। पूरी फैमिली ने डिसाइड किया घर में रुकने का। दोपहर का वक्त था, सब दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि दोपहर में लू गर्म हवा चलती है, और सब सोने चले गए। अचानक से 1:30 बजे के करीब जोर जोर से छत पे भागने की आवाज़ शुरू हो गई, जैसे कि 2 से 3 लोग जोर जोर से ऊपर भाग रहे हैं। मम्मी मासी सब बाहर भाग के गए, चेक किया तो बाहर कोई भी नहीं था। उसके बाद वही दरवाजा कोई खींच रहा है, पुल कर रहा है जोर जोर से, उसकी आवाज़ शुरू हो गई, कोई नहीं था। ये सब देख के घर वालों को भी यकीन हो गया कि बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमारे घर के ऊपर ही थोड़ा आगे जाके थोड़ी सी एक छोटी सी पहाड़ थी, वो पहाड़ पे 10-12 मंदिर थे। शिव मंदिर था, साईं बाबा मंदिर थे, मुर्गन टेम्पल था, नवग्रह था, ऐसे काफ़ी मंदिर थे। और वहाँ पे अलग अलग पंडित संभालते थे ये सब मंदिरों को। और वहाँ पे मम्मी के पहचान के एक बहुत पुराने पंडित जी थे जो वो मंदिर में करीबन करीबन 30-40 साल से काम कर रहे थे। वो पंडित जी को जाके मम्मी ने बात की, मम्मी जी उनको घर पे लेके आए। मम्मी, वो पंडित जी घर पे आए, उनने सब बात सुनी और उनने बोला कि आपने जो पेड़ कटवाया है उसकी पूजा वगैरह करवाई थी क्या? तो मम्मी ने बोला नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि यूजली क्या होता है, जब भी हम लोग ऐसे पुराने पेड़, 80, 100, 150 साल पुराने जो पेड़ होते हैं उनको कट करते हैं, तो उनसे पहले, काटने से पहले हमें एक पूजा करवानी पड़ती है। वो पूजा और कुछ नहीं होती है, वो एक टाइप की परमिशन होती है कि हम उनसे एक परमिशन मांग रहे हैं कि हम काट रहे हैं, हमारी मजबूरी है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जितने पुराने पेड़ होते हैं इनमें जो स्पिरिट्स होती है, आत्माएँ होती है, उसको घर बना लेती है इन पेड़ों को, क्योंकि वो सालों से वहीं थे तो वो वहाँ पे जाके बस जाती है। और जब भी तुम बिना परमिशन के वो पेड़ काट देते हो, बिना पूजा के वो पेड़ काट देते हो, उनका घर उनके हाथ से चले जाता है और वो चिढ़ जाते हैं और फिर वो आपको तकलीफ देना शुरू कर देते हैं। तो मम्मी और फैमिली मेम्बर सब डर गए ये बात सुन के कि ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने बोला सोल्यूशन इसका एक ही है कि आपको पूजा करनी पड़ेगी और इन सब लोगों से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। पितृ की पूजा होगी और दूसरी एक पूजा होगी और उसमें हम लोग इनसे माफ़ी मांगेंगे। तो मम्मी ने बोला ठीक है, आप पूजा की तैयारी कीजिए, आप बोलिए क्या चाहिए, क्या लगता है, और हम लोग करने के लिए तैयार है। और फिर घर पर पूजा रखी गई, गार्डन में एक पूजा की गई, जहाँ पे पेड़ थे वहाँ पे एक पूजा की गई। और 3-4 दिन बाद पूजा के ये सब चीज़ें होना बंद हो गई। तो ये था एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो हमने खुद अपने चाइल्डहुड में फेस किया। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, आपके खुद के कोई एक्सपीरियंसेस है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी टाइप की स्टोरीज पसंद है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।